ब्लू मैप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आज आप लोग को एक बहुत अच्छा काम के बारे में बताएंगे। बहुत अच्छा एक वेयरहाउस पिकिंग पैकिंग स्कैनिंग शॉटिंग रैकिंग काम के बारे में आप लोग को डिटेल्स शेयर करेंगे आज इस वीडियो में। तो गाइज, अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो में आपको पूरा नोटिफिकेशन जो है इन्फॉर्मेशन को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे गाइज, ये वेयरहाउस क्या होता है, किस तरह काम होता है, यहाँ कौन सा वेयरहाउस में आपका काम होगा। फर्स्ट आपको जो बोलेंगे कंपनी के बारे में वो है आपका मिंत्रा वेयरहाउस कंपनी। मिंत्रा कंपनी में आपका काम होगा, मिंत्रा कंपनी में आपका काम होने वाला है। ये कंपनी के अंदर आपको वेयरहाउस के अंदर आपको एज ए पिकिंग पैकिंग स्कैनिंग शॉटिंग रैकिंग हेल्पर में पूरा का पूरा काम आपको करना पड़ेगा। ये कंपनी कहाँ लोकेशन है, इस कंपनी का जो लोकेशन है वो बेसिकली आपका पड़ेगा डांडकुनी और श्रीरामपुर। मेरा ज़्यादातर जितना कंपनी रहता है वायरा उसका, वो ज़्यादातर डांकुन श्रीरामपुर में रहता है। आप लोग गाइज देखे होंगे मेरा जितना वीडियो है काम का, जितना वीडियो है पूरा के पूरा वीडियो वायरा उसका वीडियो सब कुछ मेरा डांकुनी और श्रीरामपुर में होता रहता है। बराबर वहीं पे मेरा काम चलता रहता है वायरा उसका। तो वायरा उसका जो काम होता है, आपको पहले कंपनी एज ए हेल्पर में काम कराएगा। हेल्पर काम कराने के बाद आपको देगा पिकिंग पैकिंग स्कैनिंग शॉटिंग रैकिंग, ये सब काम आपसे पूरा कराएगा। आपको कोई माथा पे नहीं काम कराएगा, आपको माथा पे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी काम आपको माथा में नहीं कराएगा कंपनी। आपको लोडिंग लोडिंग कंपनी जो कराएगा वो ट्रॉली में कराएगा, सिर्फ गाड़ी से माल लेके ट्रॉली में रख के आपको वेयरहाउस तक रखना पड़ेगा। वो सिर्फ 8 पास बंदा के लिए, जो 8 पास बंदा है उनके लिए, जो क्लास 10 पास है उसको कंपनी हेल्पर में काम कराएगा, शॉर्टिंग कराएगा, पिकिंग कराएगा, माल को कहाँ से कहाँ रखना पड़ेगा वो पूरा आपको कंपनी सिखाएगा दिखाएगा। वेयर हाउस इन हाउस टोटली काम है, आपको कोई बाहर नहीं काम कराएगा, माथा पे आपको कोई काम नहीं कराएगा। वेयर हाउस का काम बेसिकली 9 आवर्स का रहता है, 9 घंटा का काम रहता है, ज्यादातर मेरा 12 घंटा काम होता है। आप लोग को भी मालूम है गाइस कि मेरा फैक्ट्री में जितना काम है सब 12 घंटा का काम है, बट इस कंपनी में वेयर हाउस में हर टाइम 9 घंटा काम होता है, 9 आवर्स का काम होता रहता है। 9 घंटा काम में आपको आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक टाइम दिया जाएगा, खाने का टाइम दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा काम है, टाइम भी बहुत सूटेबल टाइम है। आपको 1 हफ्ता डे 1 हफ्ता नाइट कंपनी काम कराएगा, 1 हफ्ता डे 1 हफ्ता नाइट, सबके लिए नियम बराबर है। जैसे आपका 1 हफ्ता डे हो गया, फिर आपको 1 हफ्ता बाद आपको नाइट देगा कंपनी, इसी तरह आपसे काम कराएगा डे और नाइट ऐसे करके। 9 घंटा ड्यूटी है कंपनी, ESIPF सब कुछ देगा। ESIPF काट कूट के आपको कंपनी स्टार्टिंग में सैलरी देगा कंपनी कम से कम 12,000, कम से कम आपको कंपनी 12,000 सैलरी देगा शुरू में। 8 पास बंदा भी अप्लाई कर सकता है, बट उसको जो है पहले आपको 8 पास बंदा के हेल्पर में काम कराएगा। 10 पास बंदा तो कर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एज एज क्राइटेरिया है 18 से लेके 35 तक कोई भी बंदा ये वाला वायरस का काम कर सकता है। कोई भी बंदा जो रहना और खाना चाहता है उसके लिए अलग हम मैटर आपको बताएंगे, क्योंकि यह कंपनी आपको रहना खाना कुछ नहीं दे रहा है, रहने का खाने का आपको कंपनी कुछ नहीं दे रहा है, वो पूरा का पूरा आपका जिम्मेदारी है। आप कैसे खाइएगा कैसे रहेगा वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हाँ, आपको लोग हम एक बात बोलेंगे गाइस, जो लोग बाहर से आते हैं, बाहर से आ रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि हम तो बाहर से हैं, कैसे रूम ढूंढेंगे, कैसे हम रूम मैनेज करेंगे, कैसे हम खाना खाएंगे, तो वो लोग के लिए खास करके बताएंगे कि बाहर से जब आ रहे हैं तो आपको जो है रूम हम लोग मैनेज कर देंगे, रूम का व्यवस्था हम कर देंगे, सिर्फ आपको रूम का जो एडवांस है रेंट है आपको देना पड़ेगा। आपको आते ही रूम का एडवांस पे करना पड़ेगा, आप महीने महीने आप रूम का जो रेंट है जो भाड़ा है आपको पे करना पड़ेगा। रूम का जो मोटा मोटी आपको मैं आइडिया बता रहा हूँ जो किराया है, अगर कोई बंदा शेयरिंग रूम में रहना चाहता है, शेयर रूम में रहना चाहता है, वो तो कम से कम 1,000-1,200 में हो जाएगा। अगर वो अकेला रहना चाहता है पर्सनल रूम लेके, तो कम से कम 2,500-3,000 तक उसको महीने में पे करना पड़ेगा। वो रूम जो है हम लोग मैनेज कर देंगे, हम लोग व्यवस्था कर देंगे, बट आपको जो है खाली रेंट पे करना पड़ेगा, एडवांस पे करना पड़ेगा। तो अगर कोई बाहर से आ रहे हैं तो उसका चिंता नहीं है, उसका रूम का जिम्मेदार मेरा है, हम रूम आपको दिला देंगे, सिर्फ आपको खाली पैसा पे करना पड़ेगा रूम का, यही फर्क है। तो गाइज ये एक बहुत अच्छा काम है, ये काम का जो लोकेशन है आपका हावड़ा से लोकल ट्रेन पकड़ के 1/2 घंटा का रास्ता है। डानकुनी श्रीरामपुर जो है ये हावड़ा स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ के 1/2 घंटा का रास्ता है। एक बहुत अच्छा एक मिंत्रा वेयरहाउस पे कंपनी में काम है। तो गाइस अगर यही कंपनी में कोई भी बंदा अगर इंटरेस्ट है काम करने के लिए, अगर काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जो नंबर दिया हुआ है आप नंबर में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा जो है डिटेल सबसे आपको शेयर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या प्रोसेस है, आपको कहाँ आना पड़ेगा, कैसे
इस कंपनी में काम करने के लिए क्या आपको डॉक्यूमेंट्स कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा जो है आपको दिया जाएगा। तो गाइज आपको और एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो कंपनी है ये कंपनी टोटली इंडस्ट्री एरिया में है, नेशनल हाईवे के पास में ये कंपनी रहता है। बेसिकली जितना बड़ा बड़ा कंपनी रहता है, जितना इंडस्ट्रियल एरिया रहता है, ज़्यादातर नेशनल हाईवे के पास में होता है। बहुत सारा आदमी बोलता है कि सर ये वाला काम जो है आपका कलकत्ता में है, कलकत्ता में सिर्फ ऑफिशियली काम होता है, कलकत्ता में कभी वेयर हाउस नहीं होता है, वेयर हाउस आउट ऑफ कलकत्ता होता है, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं पर वेयर हाउस होता है। मतलब ये कलकत्ता से हट के, कलकत्ता से कम 1 घंटा का रास्ता है, जो प्रॉपर कलकत्ता है, जो सेंट्रल कलकत्ता है, कलकत्ता से 1 घंटा का कम से कम रास्ता है कलकत्ता से हट के। ये पूरा कलकत्ता का अंदर में नहीं है, कोलकाता सिटी में नहीं है। तो बहुत सारा आदमी जो है क्वेरीज करता है, बहुत सारा बंदा क्वेरीज करता है, इसलिए हम मैं आपको आप लोगों को जो है बता रहा हूँ कि वेयर हाउस का काम जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। इसका लोकेशन जो है हावड़ा से 1/2 घंटा का रास्ता है, टानपुरी श्रीरामपुर। तो गाइज आज का वीडियो यही तक, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।